इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम पर एक्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि चुनावी आचार संहिता से निपटने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ऐसे में चुनाव आयोग के काम में हम दखल नहीं देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके मद्देनजर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के काम में हम दखल नहीं देंगे, चुनाव आचार संहिता से निपटने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम पर एक्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि चुनावी आचार संहिता से निपटने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ऐसे में चुनाव आयोग के काम में हम दखल नहीं देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके मद्देनजर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के काम में हम दखल नहीं देंगे, चुनाव आचार संहिता से निपटने का काम इलेक्शन कमीशन का है।